जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साथियों, सभी साथी जुड़ जाए एक बार इस वीडियो से। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, 14 फरवरी को जो पुलवामा में जो हमले हुए हैं, उसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने मंगलवार को सुबह करीब 3:30 बजे 3:29 मिनट पर पाकिस्तान के आतंकवादी जो हड्डे थे उन पर 1,000 किलो के 10 बम गिराए गए। आप सभी को मालूम होगा, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। खास मुद्दा साथियों आज मेरा ये है कि सेना पर राजनीति नहीं होनी थी, जो कि कल हो गई है। जो पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके सबूत मांगे गए थे, और दूसरी ये जो सर्जिकल जो एयर स्ट्राइक हुई है इसके भी सबूत इस भारत देश में मांगे जा रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, रामजीलाल बेरवा का साथियों एक बयान है कि भारतीय सेना ने कितने आतंकवादियों को मारा और कहां पर मारा, उन सबकी लाशें दिखाए ये भारत सरकार। रामजीलाल बेरवा का ये बयान है साथियों, मैं आप सभी को दिखाऊंगा, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, उनका ये बयान आया है कि भारतीय सेना ने कितने आतंकवादियों को मारा, सबकी लाशें दिखाए सरकार। ये उनका बयान है, राष्ट्रीय महासचिव जो कि समाजवादी पार्टी से, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं फोटो। आप सभी देख सकते हैं साथियों, ये देखिए, ये है साथियों वो जिन्होंने, मैं आपको इनको जूम करके बताता हूँ, ये है साथियों रामजीलाल सुमन, रामजीलाल सुमन साथियों, मैं क्षमा चाहूंगा सभी से, मैंने गलत नाम आप सभी को बता दिया है। रामजीलाल सुमन का ये बयान है कि भारतीय सेना ने कितने आतंकवादियों को मारा, उन सभी की लाशें दिखाए। ये रामजीलाल जी बेरवा का, जैसा आप सभी देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके बता दूं एक और बार, आप सभी देख सकते हैं साथियों, पाकिस्तान में घुसकर कितने आतंकी मारे, लाश दिखाए सरकार। ये रामजीलाल जी सुमन का ये बयान है, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जो समाजवादी पार्टी के महासचिव है उनका ये बयान है, जब पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी हमले में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके सबूत इस भारत देश में मांगे गए थे, और अब जो दूसरी एयर स्ट्राइक हुई है भारत देश की उसमें भी सबूत मांगे जा रहे हैं। कितने गर्व की बात है साथियों ये हमारे भारत देश के लिए कि हमारे भारत देश के लोग इसके सबूत मांग रहे हैं, लाशें मांग रहे हैं ये, और कोई छोटे मोटे लोग नहीं, जो अगर सामान्य भारतीय छोटे मोटे भारतवासी ये बात नहीं कर रहे, एक समाज, एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन का ये बयान है साथियों।
मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि ये रामजी लाल जी सुमन जो कि इस इनको पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हटाने से ज़्यादा इनको इनके पद से हटाने पर ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करें सभी भाई। और मेरा आप सभी से यही भी निवेदन है इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचा देना, रामलाल जी सुमन तक जो भी है ये इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुँचा देना साथियों, ये मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। और उनके लिए मेरा जवाब एक छोटा सा सामान्य भारतीय होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय सेना का फैन होने के नाते मैं एक ये जवाब उन तक दे रहा हूँ कि अगर आपको लाशें देखनी है तो पाकिस्तान में जाकर देखो, अगर आपको लाशें देखनी है तो पाकिस्तान में जाकर देखो, आतंकवादी मरे उनका सबूत चाहिए, उनकी लाशें चाहिए। अरे जब भारत माँ के 45 वीर जवान शहीद हुए पुलवामा हमले में, तब लाशें नहीं देखनी थी? तब नहीं कहा कि भारतीय सेना के कितने जवान मरे उनकी लाशें दिखाओ? और अब आतंकवादी मरे तो सालों तुम अब राजनीति कर रहे हो? जब भारत माँ के 45 जवान शहीद हुए तब आपको नहीं देखनी थी लाशें? तब तो होंगे मरे होंगे कोई बॉर्डर के पहरेदार मरे होंगे कोई, तब तो आपका ये कहना होगा, ये मेरी सोच ही मैं बता रहा हूँ। और अब जब आतंकवादी मरे तो आपको लाशें देखनी है, प्रूफ चाहिए? अरे थूकता हूँ तुम जैसे लोगों पर मैं सालों भारत देश में रहकर ये सवाल पूछते हो तुम कि कितने आतंकवादी मारे, इसके लाशें दिखाओ, इसकी शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म। रामजी लाल सुमन का साथी और रामलाल जी सुमन का ये बयान है कि पाकिस्तान में घुसकर कितने आतंकवादी मारे, इसकी लाशें दिखाए सरकार। तुम्हारे पिताजी बैठे क्या वहां से यहां तक लाशें लाने के लिए? साथियों मेरा सभी से यही निवेदन है, इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचा देना। इन हराम खोरों तक ये वीडियो जरूर जाना चाहिए। और जो भी कहता हूँ साथियों मैं ओपनली कहता हूँ, और आज इनको भी ये ओपनली जवाब दूंगा कि ये प्रश्न उठाने की तुम्हें जरूरत कहाँ पड़ी इस हिंदुस्तान में? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब सबूत मांगे गए, और आज तो लाशें मांग रहे। उस टाइम तो सबूत मांगे, उस टाइम तो प्रूफ मांगे, और आज लाशें मांग रहे हो, लाशें दिखाए तुमको। तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो वहां पर मारे और लाशें तुम्हें यहाँ पर लाकर देवे? अरे जब भारत माँ के 45 वीर जवान शहीद हुए तब तुम्हें लाशें नहीं देखनी थी कि मरा होगा कोई सरहद का पहरेदार? और अब जब आतंकवादी जिनका कोई धर्म कोई मजहब नहीं है, ये इस भारत देश के राजनेता कहने वाले कि जिनका कोई धर्म नहीं होता, जिनका कोई मजहब नहीं होता, तो उनको उनकी अब तुम्हें लाशें देखनी है। ये मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जिन्होंने आज ये बयान दिया है, लाशें दिखाए सरकार। 45 जवान शहीद हुए उसका तुम्हें गम नहीं है, उसकी कोई चिंता नहीं है तुम्हें कि भारत माँ के 45 वीर जवान शहीद हुए? और तुम्हें अब लाशें देखनी है कि आतंकवादी 300 से भी ज्यादा आतंकवादी जो मरे है, तो तुम्हें अब लाशें देखनी है कि इतने आतंकवादी शहीद हुए है और इतनी लाशें तुम्हें अब देखनी है? अरे थोड़ी तो शर्म करो रे, थोड़ी तो शर्म। इस भारत देश में रहकर भारतीय सेना कभी गलत नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखना। भारतीय सेना घर में घुसकर मारती है, और एक और बार आप सभी को मैं दिखाऊंगा कुछ भाई जो कह रहे हैं, या आप सभी देख सकते हैं जैसे कि फोटो को। सभी साथी आप ये देख सकते हैं, सपा के कार्यकर्ता पर कार्यकर्ताओं के बीच राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन का विवादित बयान, पाकिस्तान में घुसकर कितने आतंकी मारे, लाश दिखाए सरकार। ये इस फोटो में लिखा हुआ है और ये सच्ची घटना है साथियों, ये कोई फोटो एडिट किया हुआ नहीं है, साथियों ये सच्ची घटना है जो उन्होंने कहा है, इसकी पुष्टि मीडिया भी कर चुका है, और मेरा यही वीडियो उस रामजी लाल जी सुमन तक ये जाना चाहिए कि आइंदा से ऐसे प्रश्न मत उठाना, और ये प्रश्न उठा इसका बहुत बड़ा वो चुकाना पड़ेगा तुम्हें। सभी साथी जुड़ गए इस वीडियो से, और मैं आज 2-3 मुद्दे आप सभी के बीच रखूंगा। पहला तो ये था कि इन गद्दारों ने वापस इन गद्दारों को अरे
मोदी जी एक देश के, इस भारत देश के प्रधानमंत्री, इसलिए मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि मोदी जी, भारतीय सेना तो पाकिस्तान के या देश के बाहर के गद्दारों से निपटेगी, हमें 10 मिनट का टाइम दो इन जैसे गद्दारों से निपटने के लिए, हमें भी 10 मिनट का समय दे दो इन गद्दारों से निपटने के लिए, इनका नामो निशान हम मिटा देंगे। इनकी इतनी औकात है साथियों, इनकी इतनी औकात हो गई कि अब इन्हें लाशें देखनी है। जब भारत माता के शहीद हुए तब तुमने कुछ नहीं कहा, तब तुम्हारा कोई बयान नहीं आया, तुमने श्रद्धांजलि तक अर्पित नहीं करी होगी, और आज तुम्हें वो आतंकवादी मरे तो उनकी लाशें देखनी है, उन पे माला चढ़ाओगे जाकर, लाशें देखनी है जो कुत्तों। पहला मुद्दा तो ये था साथियों, इस गद्दार तक मेरा ये वीडियो जाना चाहिए। और दूसरा मुद्दा आप सभी के बीच में मैं रखूंगा कि भारतीय वायुसेना के एक जाबाज पायलट अभिनंदन जी वर्तमान, जो कि पाकिस्तान की गिरफ्त में थे, जो कि एक कुत्तों की गिरफ्त में एक शेर है साथियों, कुत्तों की गिरफ्त में एक शेर है अभिनंदन जी साथियों। अभी शाम 5 बजे के अभी शाम को आया है पाकिस्तान की तरफ से कि अभिनंदन जी कल रिहा हो जाएंगे, तो आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा इस चीज़ की कि भारतीय सेना के जाबाज पायलट सही सलामत कल पाकिस्तान से रिहा हो जाएंगे, कल वे भारत पहुँच जाएंगे, इस चीज़ की आप सभी को बधाई देना चाहूँगा। एवं 300 कुत्ते जो 300 आतंकवादी मरे हैं उन सभी की भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि ये 300 कुत्ते जो भारतीय सेना द्वारा मारे गए, जो 300 कुत्ते भारतीय सेना द्वारा मारे गए, पाकिस्तान में घुसकर मारा है, घुसकर, और फिर भी हमारे भारत देश के इन गद्दारों को लाशें देखनी है। ये भी उन 300 कुत्तों की नस्ल के ही गद्दार है इस भारत देश में, इन्हें लाशें देखनी है, उनपे पुष्प चढ़ाएंगे, उनपे फूल चढ़ाएंगे ये गद्दार वहां पे जाकर। सभी साथी इस वीडियो को उस गद्दार तक जरूर पहुंचा देना जिसने आज ये बात की है कि हमें लाशें दिखाए सरकार की, कितने आतंकवादी मारे, और सेना पर राजनीति नहीं। और आप सभी से मेरा यही निवेदन है, एक निवेदन और आप सभी से मैं करना चाहूंगा साथियों, अभी भारत एवं पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण समय चल रहा है, तो आप तनाव बहुत ही बढ़ा हुआ है, तो आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि अगर आपके पास सेना की कुछ भी अपडेट या सेना की कुछ भी आपके पास जानकारी आती है या बॉर्डर से संबंधित कुछ भी संबंधित अगर आपके पास जानकारी आती है, सेना से संबंधित, बॉर्डर से संबंधित या भारत पाकिस्तान के संबंधित, तो आप उसे सोशल मीडिया पर ना डालें, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सअप हो, आप कहीं पर भी इसकी अपडेट ना डालें, आप सभी से मेरा यही निवेदन है। क्योंकि साथियों इसे अगर हम ये जानकारी सोशल मीडिया पर डालेंगे तो इसे हमारे इस देश के गद्दार, पाकिस्तान के तो दूर की बात है, इस देश के गद्दार उसे देखकर, और यहाँ के जो गद्दार इस जो हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान की खाते हैं वो गद्दार उन तक ये पहुँचा सकते हैं अपडेट्स। इसलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि कोई भी अपडेट्स या कोई भी जानकारी हो तो आप ये ना डालें, फेसबुक हो या व्हाट्सअप पर किसी भी चीज़ पर आप ये ना डालें, मेरा आप सभी से यही निवेदन है। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।